बड़ा दावा राखी सावंत का, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत, सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ अलग बात है। क्या उनका किसी से झगड़ा हुआ था? क्या उन्हें किसी ने कुछ खिला दिया था? क्यों उनकी BMW कार का शीशा टूटा हुआ था? आइए इस वीडियो में आपको सारी बातें बताता हूँ। मैं राहुल, बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं राखी सावंत की। राखी ने सिंदूर इंदूर लगा के पहुंची वो सीधा लाइव, और लाइव बातचीत में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने दोस्तों, एक सेकंड मैं एग्जैक्ट लाइंस बताता हूं उन्होंने क्या कहा। हाय फ्रेंड्स, मैं तो अभी भी घर पर हूं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही हूं। सिद्धार्थ की डेथ ने हिलाकर रख दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी अभी पता चला है दोस्तों कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, तो फिर कैसे उनकी जान गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3.5 घंटे अलग अलग डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि हार्ट अटैक से जान नहीं हुई है, तो फिर किस चीज़ से हुई है? आखिरकार पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जाँच के लिए भेजा गया है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आगे राखी सावंत और बात कहती हैं, वो कहती हैं उनकी BMW कार का कांच भी तोड़ा गया था, किससे झगड़ा हुआ था आखिर? कहते हैं 8 से 8:30 बजे के बीच वो किसी को मिलने गए थे, और फिर रात में आके घर पर कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर रात को 3 बजे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कुछ दवाइयाँ खाई। वो दवाई क्या थी? बिल्डिंग में झगड़ा हुआ था क्या? उनकी गाड़ी का कांच फोड़ा गया था? हे भगवान, सच्चाई क्या है? उनके फैंस के सामने, हमारे सामने आए, क्या कोई प्रेशर था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ हो? कौन सी दवाई खाई थी? ये बातें डॉक्टर ही बता सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनके फैंस, मैं और देश की जनता जानना चाहती है, मुझे तो सुन सुनकर बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, ये हार्ट अटैक नहीं तो क्या था? अब राखी सावंत ने दोस्तों ये जो बातें रखी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये बात का बतंगड़ बन रहा है, या फिर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु पर सेम सुशांत सिंह राजपूत टाइप्स की चीज़ें हो रही हैं, हमें पता नहीं, इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। इजाज़त है।